एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी बैचलर हूँ, तो आज हम लोग YouTube से ही देख के एक पोहा बनाना सीख रहे हैं। पोहा बहुत फेमस है और आसानी से स्टूडेंट लाइफ के लिए बन भी जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पोहा कैसे बनाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए चूड़ा, बादाम, प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता तो है नहीं, तो हरी मिर्च, ये सब जो जो है अवेलेबल वो डाल के बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए चूड़ा मैंने ले लिया, चूड़ा, बादाम, ये दो हरी मिर्च था, तो उसे प्याज तो नहीं देखा डालते हुए, लेकिन मैंने प्याज भी ले लिया है। इसे हम लोग फुलाएंगे 10 से 15 मिनट तक पानी में, सिर्फ धो के निकाल देना है। और तब तक इसको जो है हम लोग हल्का सा फ्राई करते हैं। पानी को अच्छे से उबाल लेना है। दोस्तों, मैंने जो वीडियो देखा उसमें हल्का चीनी भी मिलाया गया था, तो मैं भी हल्का चीनी इसे इसमें मिला देता हूँ, हल्का ही, ऐसे अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। और 10 से 15 मिनट तक बोला गया था कि इसे ही मिक्स करके इसको छोड़ देना है। तब तक मैं जो हूँ वो बादाम को उसमें फ्राई करता हूँ। तेल लगा, गरम हो गया, हल्का ही तेल डाला है। चलिए इसमें हम डालते हैं, इसको फ्राई कर देते हैं। ये मैंने चना बादाम को फ्राई कर लिया है, प्याज और हरी मिर्च भी काट लिया है। अब हल्का इसे फ्राई करूँगा, उसके बाद फिर उस ये जो हल्का फूल रहा है इसे फिर डालूंगा उसमें। दोस्तों, उसमें तो सरसों भी बताया गया था डालने के लिए, लेकिन सरसों मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही तेल हल्का ही डाला, डायरेक्ट ही इसे फ्राई करता हूँ। इसमें हल्का हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं, इसे हल्का इसे फ्राई कर। डाल दिया है, देखा है नहीं, लाइट ही कट गया था इसमें। देखिए इसमें हल्का सा हल्दी डाला है, हल्का नमक भी डाला है इसमें।